Hello everyone, in the series of Transfer of Property Act, today we are going to discuss Section 21, that is Contingent Interest. Contingent Interest ka matlab hota hai ki contingency word se samajhte hain matlab. Contingency ka matlab hota hai uncertain future events. Ki koi aisi cheez jo future mein hogi, wo uncertain hai. Uska hona ya nahi hona, ye bhi confirm nahi hai ki wo hoga ya nahi hoga. तो कंटिजेंसी से कंटिजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है. जैसा कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखेंगे तो वहाँ भी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वैसे ये कंटिजेंट इंटरेस्ट है. कंटिजेंट इंटरेस्ट का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट होगा किसी पर्सन के फेवर में जो कोई ऐसी सिचुएशन पर डिपेंड होगा जिसका होना और नहीं होना अनसर्टेन है. दैट इज अनसर्टेन इवेंट विच मे बी ऑकर और विच मे नॉट बी ऑकर. सो दैट इज कंटिजेंट इंटरेस्ट. कंटिजेंट इंटरेस्ट के लिए हम पहले कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं. यहाँ पे जैसे इलस्ट्रेशन है कि ए ट्रांसफर हिज हाउस ऑफ हाउस टू बी. ए अपना ट्रांसफर बी को ट्रांसफर करता है विद अ कंडीशन दैट इंडिया शुड विंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019. उसने एक कंडीशन डाल दी है ए ने ट्रांसफर डीड में कि मैं मेरा हाउस आपको ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन ये तभी माना जाएगा जब इंडिया अगर 2019 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो जीत जाती है तो ही आपको ट्रांसफर होगा. तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये एक ऐसे इवेंट की है जो कंफर्म नहीं है. इंडिया क्रिकेट मैच नहीं भी जीत सकती, जीत भी सकती है, क्या पता वर्ल्ड कप होना कैंसिल हो जाए कुछ कारण से. तो ये ऐसी कंडीशन है जिसका होना और नहीं होना अनसर्टेन है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो ए ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, ये कंटिजेंट इंटरेस्ट है. अगर इंडिया क्रिकेट मैच जीत जाती है 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो जीत जाती है, तो जब बी के इंटरेस्ट में, बी के फेवर में जो राइट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उसको बोलेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट. क्योंकि जिस दिन इंडिया जीत जाएगी उस दिन बी के पास राइट आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी का राइट आ जाएगा, तो बी के पास उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया है. तो अभी जब तक इंडिया मैच नहीं जीतती है तब तक बी का कंटिजेंट इंटरेस्ट ही है इस चीज़ पे, इस प्रॉपर्टी पे, इस हाउस पे. दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं. ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ ₹1,00,000 टू बी ऑन द बिकमिंग इंसॉल्वेंट ऑफ सी. कि जब सी जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ए बी को ₹1,00,000 देगा, ये कंडीशन है. तो सी का इंसॉल्वेंट होना एक ऐसी कंडीशन है जो कंफर्मेशन नहीं है. सी इंसॉल्वेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. अब यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी की बात है ये सी की, ये कोई बता नहीं सकता कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट होगा या नहीं होगा. फ्यूचर इवेंट है ये एक जो अनसर्टेन है, जिसका होना या नहीं होना. तो सेम चीज़ वही है यहाँ पे भी कि ए अगर बोल रहा है कि मैं आपको ₹1,00,000 गिफ्ट कर दूंगा अगर सी इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो ये कंटिजेंट इंटरेस्ट है. अगर सी पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं होता है उसकी लाइफ टाइम में, उसकी डेथ हो गई मान लो, अब सी इंसॉल्वेंट ही नहीं हुआ, तो ये जो ए ने गिफ्ट डीड बनाई है वो वॉइड हो जाएगी. वैसे यहाँ पे जो ए अपना हाउस का ट्रांसफर कर रहा है बी को, और अगर इंडिया मैच जीतती ही नहीं है वर्ल्ड कप तो वापस ये प्रॉपर्टी ए के पास ही रहेगी. अब हम प्रोविजन की बात करते हैं. प्रोविजन बात करता है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. ये बात कर रहा है कि हम अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं किसी फेवर में, किसी पर्सन के फेवर में, तो वहाँ उसका इफेक्ट तभी माना जाए जो जब कोई ऐसा इवेंट है जो स्पेसिफाइड है और वो अनसर्टेन है. जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो मैं आपको हाउस ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो यहाँ पे एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है जिसका होना और नहीं होना कंफर्म नहीं है अभी, ये कंटिजेंसी की वाली बात है. और इफ़ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, कि आखिर कोई ऐसा स्पेसिफाइड इवेंट जो उस जो डीड बनेगी ट्रांसफ़र डीड, उसमें स्पेसिफाइड जो इवेंट है वो अनसर्टेन इवेंट नहीं होने पर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा. ये बात ऐसा कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें बात करूँ कि इंडिया शुड नॉट विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, कि इंडिया को 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जीतना है. अगर इंडिया जीत जाएगी तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये वॉइड हो जाएगा, वापस ए के फेवर में प्रॉपर्टी चली जाएगी, ए के फेवर में हाउस चला जाएगा. लेकिन अगर इंडिया नहीं जीतती है तो ये हाउस जो है बी को ट्रांसफ़र हो जाएगा. ये अगर कंडीशन होगी तो इसको भी कंटिजेंट इंटरेस्ट बोलेंगे. तो कंटिजेंट इंटरेस्ट के लिए दो कंडीशन है, वो है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. मतलब पहले वाले में तो बात करिए ऑन द हैपनिंग ऑफ उसका होना, और दूसरे में बात करिए नॉट हैपनिंग, ऑन द नॉट हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. पहले वाले में बात कर रहा है कि वो चीज़ होनी चाहिए और दूसरे वाले में बात कर रहा है कि वो नहीं होना चाहिए.
पहले वाला जो इलस्ट्रेशन है इसमें अगर हम लेके चले पहले वाले के लिए, तो बोल रहा है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा तो ट्रांसफर वैलिड है। दूसरे इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग लेके चले तो बोल रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप अगर नहीं जीतेगी तो ट्रांसफर वैलिड है। तो ये दोनों कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, फ्यूचर इवेंट पे बेसिस है। अब आगे हम बात करते हैं, तो इसमें बात करी है कि सच पर्सन देयर वाय एक्वायर कंटिंजेंट इंटरेस्ट, सच पर्सन देयर वाय एक्वायर कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, सच इंटरेस्ट बिकम अ वेस्टेड इंटरेस्ट। तो जिस दिन पर्सन वो जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो एक्वायर कर लेगा उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वापिस ऊपर चल के देखते हैं, तो ए मेक्स अ गिफ्ट रुपीज 1 लाख टू बी। ए बोलता है मैं बी को कि 1 लाख रुपए दूंगा सी अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब अगर सी इंसॉल्वेंट हो ही गया तो बी का जो राइट है वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट से अब वेस्टेड इंटरेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि बी को 1 लाख रुपए मिलेंगे और ये कंफर्मेशन हो जाएगा कब कि सी इंसॉल्वेंट हो गया है। ये बी को जैसे ही पता लगेगा कि सी इंसॉल्वेंट हो गया तो बी का जो राइट है अब वो वेस्टेड बन गया है। जब तक बी इंसॉल्वेंट है तब तक कंटिंजेंट है, लेकिन जैसे ही सी इंसॉल्वेंट होता है तो बी का यहाँ पे राइट वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर आगे बात करी है, सच इंटरेस्ट बिकम वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फॉर्मर केस, पहले वाले में, ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अगर उसने बोला है कि इस इवेंट के होने पे, इन द लेटर इसमें बोल रहा है कि नहीं होने पे, व्हेन द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अब अगर ये बोल दें यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि बी अगर इंस्टॉलमेंट नहीं होगा तो ए अपना 1 लाख रुपए बी को दे देगा, ऐसी कंडीशन डाल दे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की जगह, अगर बोल दे कि बी सी जो है इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर सी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ और उसकी डेथ ही हो गई तो यहाँ पे जो बी है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सी की डेथ होगी अब सी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकेगा, तो बी के पास जो राइट क्रिएट हो गया है वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट का राइट क्रिएट हो गया है। लेकिन यहाँ पे नॉट इंसॉल्वेंट वाली कंडीशन होनी चाहिए, अभी जो कंडीशन लिखी है वो तो इंसॉल्वेंट की लिखी है, जब यहाँ नॉट इंसॉल्वेंट की कंडीशन होगी तब बी को वो राइट मिलेगा नॉट हैपनिंग वाला। फिर आगे इसमें एक एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्शन बात करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी पर्सन के फेवर में और अगर उसकी एज से रिलेटेड वो ट्रांसफर हो रहा है और बताया है कि वो ट्रांसफर माना जाएगा जब उस पर्सन की जो उतनी एज है वो पूरी हो जाएगी तब उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो माना जाएगा, तो ऐसे ट्रांसफर को वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। कब? जब उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है उससे होने वाली जो इनकम है वो उस पर्सन को मिले जिस पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ए जो पर्सन है उसने अपना हाउस बी पर्सन को ट्रांसफर करा, बी उसकी आज एज 22 इयर्स है। मैंने ये 18 इयर्स, 19 इयर्स, 21 इयर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की वाली जो बात है कि माइनर होना चाहिए या मेजर होना चाहिए, वैसी कोई बात नहीं है, तो मैंने इसलिए 22 इयर्स लिया है। विद अ कंडीशन दैट व्हेन बी अटेन्स द एज ऑफ 30 इयर्स, कि भैया बी जो है जिस दिन 30 साल की उम्र हो जाएगी उस दिन आपको प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट मिल जाएगा। क्योंकि जब हम अगर किसी एज की बात करते हैं तो एज के केस में यह है कि कंफर्मेशन नहीं है कि कौन व्यक्ति कितने साल जिएगा, ऐसा कहीं कंफर्म नहीं है कि कोई 50 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, कोई 90, कोई 80, कोई 60 साल, ऐसा कहीं कंफर्म नहीं है। तो जब एज की बात है वहाँ कंफर्मेशन नहीं है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा। लेकिन कंटिंजेंट वाला यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो ऊपर रूल बताया है उसके अगेंस्ट में ये रूल बात करेगा। तो ये बात कर रहा है कि जब एज की ही बात हो और ये बात हो कि किसी के पर्टिकुलर एज के अटेन होने पे उसको वो राइट मिलेगा उस प्रॉपर्टी में, लेकिन इसमें जो एक बात करी वो ये बात करी है जैसा इलस्ट्रेशन में ही है कि गेट्स एब्सोल्यूट राइट ओवर द प्रॉपर्टी, के 30 साल की उम्र हो जाएगी ना बी की, उस दिन उसको एब्सोल्यूट राइट मिल जाएगा उसके हाउस में, ए के हाउस में, एंड द ऑल इनकम एंड रेंट्स रिकवर फ्रॉम द हाउस शैल बी गिवन टू बी फॉर हिज एक्सपेंसेस। और जितनी भी इनकम या रेंट, जैसे भी कोई भी इनकम हाउस से अगर आती है तो वो बी को मिलना शुरू हो जाएगी आज से ही, फ्रॉम टुडे वो सारे जो है वो इनकम और वो रेंट जो भी मिल रहा है वो बी को उसके एक्सपेंसेस बी के हो सकते हैं कि भाई वो एजुकेशन के लिए एक्सपेंस करे, कहीं घूमने के लिए एक्सपेंस करे, उसके जो एक्सपेंसेस है उनके लिए उसकी जो हाउस से इनकम हो रही है वो बी को मिलनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो बी का राइट है वो कंटिंजेंट ना मानते हुए वेस्टेड माना जाएगा, दिस इज कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट नॉट कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ लीजिए, वेयर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अ पर्सन बिकम एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट देयर इन अपॉन अ पर्टिकुलर एज, तो पर्सन जो एंटाइटल है ये 30 साल की उम्र में, बी 30 साल की उम्र में एंटाइटल होगा।
and the transferor also give him absolutely the income arising from such interest before he reaches that age. और जो transferor है तो जो A person है वो अपनी income यहाँ पे जो दे रहा है वो B को दे ही रहा है before attaining the age के वही बता ही रहा है कि 22 साल है आज से ही ले लो 30 साल के होने के बाद नहीं आज से ही लेना शुरू कर दो और direct the income or so much as thereof may be necessary to be appointed for his applied for his benefit या फिर उसके benefit के लिए हाँ तो अब यहाँ expenses यहाँ पे जो लिखा है तो इसका यही है कि आप अपने education में लगाओ आप अपने खाने पीने का खर्च करो घूमने का खर्च करो तो ये इसके benefit के लिए ही है तो such interest is not contingent तो वो interest contingent नहीं माना जाएगा तो वो interest contingent नहीं मान रहे तो मतलब वो है कि wasted मान रहे क्योंकि contingent interest का fulfillment होना ही wasted interest कहलाएगा कैसे जैसे यहाँ पे अगर सी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बी को 1,00,000 रुपए मिल रहे थे तो अगर आज सी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बी का तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया 1,00,000 रुपए के लिए अब ए को बी को 1,00,000 रुपए देने ही पड़ेंगे यहाँ पे तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो वैसी बात यहाँ पे है कि एक्सेप्शन में कि सच इंटरेस्ट इज नॉट कंटिजेंट तो वो कंटिजेंट इंटरेस्ट नहीं है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगा दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन थैंक यू वेरी मच होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू